आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये एग्जांपल है एबेलियन ग्रुप का, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कर दिया है, जी एक ग्रुप बताया गया है एंड ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर यह हमें दिया गया है। तो इसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे ये जी ये मस्ट बी एबेलियन, मतलब ये जी एबेलियन होना चाहिए ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो हम इसे शो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं जी क्या है। जी इज ए ग्रुप, ठीक है, और हमारे पास ये कोई भी ग्रुप एबेलियन शो करने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। उसके लिए हमारे पास अभी ए बी दिया है, तो हम ए बी की कंडीशन ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो ग्रुप होता है वो एबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम इसे शो करेंगे। हमें दिया क्या है, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो हम लिखते हैं ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब यही तो आना है ना। तो अब ये तो हमने सॉल्व कर दिया इतना, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा कट करने के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकालेंगे ये हमने किसके माध्यम से लिया, बाय एसोसिएटिविटी। बाय एसोसिएटिविटी से लिया है। अब हमें क्या मिलेगा, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, बी ए बी इक्वल टू ए बी बी। ठीक है, ये कैंसिल किस वजह से हुआ है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अब हम क्या करते हैं, इसे फिर से एक बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिस वजह से हमें एक वैल्यू इसकी कट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किस वजह से दिया, बाय एसोसिएटिविटी, मतलब ये यहाँ पे बाय एसोसिएटिविटी से दिया। अब यहाँ क्या हुआ, बीबी के कैंसिल किस वजह से कैंसिल हुआ है, बाय लाइक कैंसिलेशन लॉ, बाय राइट बाय राइट कैंसिलेशन लॉ ए कैंसिल हो गया। तो फिर हमें क्या मिला है, बी ए इक्वल टू ए बी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हमें मिल गया है ये। हेंस ग्रुप जी मस्ट बी एबेलियन, हमने ये शो किया और ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड होती है एबेलियन ग्रुप में, तो इसलिए ग्रुप जी जो है वो एबेलियन है। ठीक है, धन्यवाद।